हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर रन। और आज के वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं AAACC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दो बड़ी अपडेट आई है फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। और बहुत सारे बच्चे इन एलिजिबल हो गए हैं स्टेट कोटा और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। उनकी लिस्ट में भी बताऊंगा बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऑफिशियल वेबसाइट है, जो AAACC की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर ये दोनों नोटिस आई है। इसमें पहला है नोटिस ऑन पार्टिसिपेशन इन थर्ड राउंड ऑफ AAACC यूजी काउंसलिंग, तो पहला नोटिस इस पे हम बात करेंगे। दूसरा नोटिस है नोटिस ऑफ ऑन लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट। लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जो स्टेट और यूटी काउंसलिंग के लिए अब एलिजिबल नहीं है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, उसकी लिस्ट आई है बच्चों। तो इन दोनों लिस्ट के बारे में हम लोग अभी अभी के अभी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो नोटिस रिलीज की गई है, इस नोटिस को देखते हैं। इसमें पहला नोटिस है, ये नोटिस अभी जस्ट रिलीज किया गया है 9/10/2023। काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड ऑफ AAACC यूजी काउंसलिंग, मतलब मॉप अप राउंड यानी थर्ड राउंड के काउंसलिंग के रिगार्डिंग ये नोटिस रिलीज की गई है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक ए कैलकुलेटेड डिसीजन। कैलकुलेटेड मतलब सीमित डिसीजन, मतलब फैसला ऑन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट इन थर्ड राउंड, मतलब तीसरे राउंड की जो चॉइस फिलिंग आप करने वाले हो उसमें कैलकुलेटेड डिसीजन लेना, मतलब सीमित डिसीजन लेना है। एज दे वुड नॉट बी परमिटेड टू रिजाइन विदड्रॉ, मतलब रिजाइन नहीं कर सकते सीट को, विदड्रॉ नहीं कर सकते इफ अलॉटेड या अपग्रेडेड इन थर्ड राउंड। अगर थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट होता है या सीट अपग्रेड होता है तो आप उस सीट को छोड़ भी नहीं सकते, रिजाइन भी नहीं कर सकते, ना ही उस सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एडमिशन लेना ही होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है थर्ड राउंड। इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन रिपोर्ट और एडमिट टू थर्ड राउंड सीट, थर्ड राउंड में जो सीट मिला है उस पर अगर रिपोर्ट नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, एडमिशन नहीं लेते हैं तो हिज एंड हर नेम विल बी इंक्लूडेड इन द, उसका नाम जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा लिस्ट ऑफ, किसमें नाम इंक्लूड कर दिया जाएगा बच्चों, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट में, किसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट में अपलोडेड एट द AAACC यूजी पोर्टल एंड ऑल्सो वाइडली सर्कुलेटेड अमंग ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, जितने भी काउंसलिंग अथॉरिटी है उनको उसका नाम सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और दे विल बिकम इन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल स्टेट यूटी आयुष काउंसलिंग ऑफ द करेंट एकेडमिक ईयर 2023-24 एंड देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड। मतलब समझिए, थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज अलॉट होने के बाद उस सीट पर आप एडमिशन नहीं लिए तो आपकी पहला तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, दूसरा आपका नाम लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट में आ जाएगा, जिसके कारण आप ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग में भी पार्ट नहीं ले सकते और ना ही स्टेट कोटा काउंसिलिंग में इस साल पार्ट नहीं ले सकते। बच्चों ये जो है सेकेंड नोटिस को हमने ओपन किया है, सेकेंड नोटिस को आप समझिएगा। इस नोटिस ऑफ कैंडिडेट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव सियोर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट थ्रू राउंड वन एंड राउंड टू ऑफ AAACC यूजी काउंसलिंग, मतलब ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग थी, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग थी, इसमें जिन बच्चों ने सीट को कंफर्म कर लिया है उनका लिस्ट दिया गया है, रिलीज किया गया है, ठीक है। एज पर द अप्रूव्ड AAACC यूजी काउंसलिंग स्कीम 2023 कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड वन राउंड टू ऑफ AAACC यूजी काउंसलिंग एंड होल्डिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा सीट, जो ऑल इंडिया कोटा सीट था जिसको उन्होंने होल्ड कर लिया, जिसपे एडमिशन कन्फर्म कर दिया है, वो सीट जो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी आर नॉट अलाउड टू वैकेट देयर एडमिटेड सीट आफ्टर 9/10/2023, जिन बच्चों ने एडमिशन कन्फर्म ले लिया वो 9/10/2023 के बाद उस सीट को अब छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो अपग्रेड करा सकते हैं। तो जिन बच्चों ने कंफर्म एडमिशन कर लिया उनकी एक लिस्ट दी गई है, ये बच्चे अब स्टेट कोटा काउंसलिंग में भी पार्ट नहीं ले सकते, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी पार्ट नहीं ले सकते, मतलब कि आगे जो भी काउंसलिंग होने वाला है उसमें वो पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। फर्दर द कैंडिडेट हु सियोर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा सीट थ्रू ऑल इन राउंड वन एंड टू, राउंड वन एंड राउंड टू ऑफ AAACC यूजी काउंसलिंग आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग ऑफ एडमिशन ऑफ यू टू यूजी कोर्स अंडर स्टेट कोटा यूटी कोटा इंस्टीट्यूशन या कोई भी कोटा में या ऑल इंडिया कोटा में भी पार्ट नहीं ले सकते हैं 2023-24 सेशन के लिए। दिस ऑल स्टेट्स यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड
जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, जो भी स्टेट के काउंसलिंग अथॉरिटी है, यूटी के काउंसलिंग अथॉरिटी है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है नॉट टू अलाउ दिस कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द, इस कैंडिडेट को अलाउ नहीं करना है पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू यूजी BAMS, BSMS, BUMS और BHMS कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर 2023-24 में, ठीक है। द लिस्ट ऑफ इनिजिबल कैंडिडेट आर एनेक्स योर हियर विद, मतलब वो लिस्ट ऑफ इनिजिबल कैंडिडेट दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ एक बार क्विक करके, ठीक है बच्चों। ये बच्चों का नाम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बच्चों का रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, बच्चों का रोल नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों का रोल नंबर है, यहाँ पर नाम है, और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है। अब ये जो बच्चे हैं इस लिस्ट में, जितने भी बच्चे हैं, वो आगे की कोई काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने सीट कंफर्म कर दिया है, और ना ही ये अपनी सीट छोड़ेंगे। अगर ये अपनी सीट छोड़ते हैं तो ये आगे की काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते। कितना 2220 बच्चे जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और बाकी जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें वो भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2220 बच्चे हैं वो आने वाले जो राउंड है स्टेट की है, ऑल इंडिया कोटा की है, उसमें ये पार्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारी जो टीम है उससे बात कर सकते हो 8955851411 पे। दूसरा नंबर है 9155225292, इन दोनों नंबर में बात करके आप हमारी टीम से काउंसलिंग करा सकते हो। 100% गारंटी के साथ आपको सीट हम दिला कर देंगे, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।